टॉप न्यूज में आप मेरे यानी कि देव के साथ देश दुनिया की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। भारत को पहला फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल मिल गया है। राफेल के आने से पहले देश में जितना राजनीतिक घमासान मचा था, अब राफेल मिलने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में जिस तरह राफेल की शस्त्र पूजा की, राफेल पर नारियल चढ़ाया, ओम का निशान बनाया और राफेल के पहियों के नीचे नींबू नजर आए, इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए दीक्षित ने कहा कि दशहरा एक त्योहार है जिसे हम भी मानते हैं, लेकिन आप इसे देश में आने वाले एक नए एयरक्राफ्ट से क्यों जोड़ रहे हैं। इस सरकार के साथ यही एक दिक्कत है कि काम करने के साथ यहाँ नाटक ज्यादा किया जाता है। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राफेल विमान रिसीव करने पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि आखिर इसे रक्षा मंत्री ने क्यों रिसीव किया, ये काम वायुसेना ही कर सकती थी। बहरहाल आपको बता दें कि राफेल की इस शस्त्र पूजा ने सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने आखिरकार राफेल को देसी बना दिया। राफेल को लेकर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को फ्रांस में राफेल विमान उड़ाया और भारत के लिए इसे रिसीव भी किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी बड़े लड़ाकू विमान की भारतीय खेमे में एंट्री इस तरह से हुई, जब पूरी दुनिया भारत की शस्त्र पूजा को देख रही थी। क्या राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जिम्मेदारियों से भाग गए? कम से कम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद तो यही मानते हैं। खुर्शीद ने पहली बार वो बात खुलकर कह दी जिसे दबे अंदाज में कहा जा रहा था। खुर्शीद ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे नेता ही हमें छोड़ गए। उन्होंने पार्टी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे से संकट बढ़ गया है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी के इस फैसले के कारण पार्टी हार के बाद जरूरी आत्मनिरीक्षण भी नहीं कर पाए। ये पहला मौका है जब कांग्रेस के किसी नेता ने राहुल गांधी के इस्तीफे के लिए छोड़ जाने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उधर बीजेपी ने खुर्शीद के बयान को तुरंत लपक लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस में कोई नेता, नीति और नियत नहीं बचा है। सैन्य शासन के लिए कुख्यात रहे पाकिस्तान में सरकार के कामकाज में एक बार फिर से सेना का दखल बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में कारोबारियों के साथ मीटिंग के बाद पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अब पीएम इमरान खान के साथ चीन दौरे पर भी पहुंचे। साफ है कि आर्थिक मोर्चे पर दखल के बाद अब सेना प्रमुख विदेश नीति में भी अपना दखल चाहते हैं। 1947 के बाद से तीन बार सैन्य तख्ता पलट देख चुके पाकिस्तान में उसके इतिहास का आधा हिस्सा सेना के शासन का रहा है। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या पड़ोसी मुल्क में एक बार फिर सेना ड्राइविंग सीट पर आ रही है। आमतौर पर पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें सेना की छाया में ही काम करती रही हैं। 3 साल का सेवा विस्तार पाने वाले जनरल बाजवा अब सरकार के निर्णयों में भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके पहले इमरान जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए गए थे, तब उनके साथ जनरल बाजवा के साथ ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी थे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पीठ के इलाज के लिए इंग्लैंड में है। यहाँ हार्दिक ने अपनी लोअर बैक इंजरी की सर्जरी कराई है। सर्जरी के करीब 4-5 दिन बाद हार्दिक ने अब चलना शुरू कर दिया है। मंगलवार देर शाम को उन्होंने इस चोट से उबरने का अपना एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। हार्दिक का ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इस वीडियो में हार्दिक ने सर्जरी के बाद अपने अलग अलग दिन के विजुअल्स पोस्ट किए हैं, जिनमें वो पहले बेबी स्टेप, बच्चे की तरह चलना, फिर व्हीलचेयर पर घूमना और उसके बाद अपने दोस्त संग सहारा लेकर धीरे धीरे चलने का अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। इस चोट से उबरने के लिए अब हार्दिक अगले 4-5 महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी है और बिक्री में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन इस त्योहारी सेल पर लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी मर्सिडीज ने मुंबई, गुजरात और देश के अन्य शहरों में एक ही दिन में 200 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसने दशहरा और नवरात्र पर बुक की गई विभिन्न मॉडल्स की 200 से ज्यादा कारों की डिलीवरी एक ही दिन में की है। कंपनी ने बताया कि दशहरा पर अकेले मुंबई में 125 से अधिक कारों की डिलीवरी की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। वहीं गुजरात में उसने 74 कारों की डिलीवरी नवरात्र पर की है। उधर दूसरी तरफ
ऑटो सेक्टर की दूसरी कंपनियों का हाल बुरा है। पिछले कुछ महीने में बिक्री में 30-40% तक गिरावट आई है। ऐसी और खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।